अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज पीएचपी ऊप का लेसन नंबर 16 है। और इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की बात करूंगा। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ हम एसोसिएट कर देते हैं, और इस टाइप का जो रिलेशनशिप है इसको वीक रिलेशनशिप कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस रिलेशनशिप में शामिल होते हैं, हर ऑब्जेक्ट का अपना लाइफ साइकिल होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइफ पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसकी एक मैं क्विकली एग्जांपल करता हूँ आपके सामने, और एग्जांपल के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां पर आके जो मैं एग्जांपल करने लगा हूं, इसमें मैं पर्सन को कार के साथ एसोसिएट कर रहा हूं। अ पर्सन ड्राइव्स अ कार। अब पर्सन जो है कार को यूज कर रहा है, और जहां पे कोई ऐसा रिलेशनशिप आता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा होता है, यानी कि उसकी सर्विस को यूज कर रहा होता है, लेकिन दोनों की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी ऑनरशिप के हवाले से नहीं होती, यानी कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑन नहीं करता, वहाँ पे जो रिलेशनशिप आता है उसको एसोसिएशन कहते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव कर देने के बाद यहाँ पे पर्सन की क्लास बनाते हैं क्विकली। पर्सन की क्लास, और बेसिकली क्लास है, मुझे पैरेंथेसिस हटाना होंगी, नेम और पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, इसको मैं एक नेम पास कर देता हूँ, और जो भी नेम है वो इस प्रॉपर्टी को सेट करवा दिया जाएगा उसके साथ। दिस नेम इक्वल्स टू डॉलर नेम, और गेट नेम के नाम से एक मेथड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और ये क्या काम करेगा, ये रिटर्न करवा देगा डॉलर दिस नेम, यानी कि क्लास की जो नेम के नाम से प्रॉपर्टी है जो कि प्राइवेटली अवेलेबल है उसको रिटर्न करवा देगा। सिर्फ इतना काम है इसका। क्लास कार, ये मैंने कार के नाम से एक क्लास बना दी, और इसमें फॉर एग्जांपल कुछ इसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, कार नेम, कार मॉडल। मेरे ख्याल से दो एट्रीब्यूट्स काफी हैं। पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर यहां पे क्रिएट कर लेते हैं, और जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर रहा है। कार नेम फॉर एग्जांपल होंडा अकॉर्ड डॉलर दिस, कार मॉडल इक्वल्स टू 2016। अब यहां पे आके एक और मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक ड्राइव। अब जो ड्राइव के नाम से मेथड है, बेसिकली इस मेथड को एक पैरामीटर पास किया जाएगा जो कि पर्सन की टाइप का पैरामीटर होगा, वो पैरामीटर असल में ऑब्जेक्ट होगा पर्सन। और सबसे पहले यहाँ पे मैसेज एक आउटपुट करवाते हैं, उस मैसेज में फॉर एग्जांपल लिख देते हैं द कार नेम एम इज डॉलर दिस कार नेम। The car model is dollar this car model. Driver name is person get नेम। देखिए पर्सन के नाम से जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आया लाइन नंबर 21 पे, उसकी मैंने मेथड को कॉल कर लिया जो कि गेट नेम है,
और यहाँ पे इसका नाम डिस्प्ले हो जाएगा, एको। कार हैज बीन स्टार्टेड एंड रेडी टू गो। तो अभी तक जो मैंने काम किया, मैंने एक पर्सन के नाम से क्लास बनाई, उसकी एक प्रॉपर्टी है नेम के नाम से, उसको मैंने सेट करना है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और उस प्रॉपर्टी को गेट कर रहा हूँ मैं गेट अंडरस्कोर नेम के नाम के मेथड के थ्रू। उसके बाद कार के नाम से एक मैंने क्लास बनाई, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं कार नेम कार मॉडल, इनको मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके इनिशलाइज कर दिया, और जो मैंने इनको वैल्यूज असाइन की वो हार्ड कोडेड हैं। तो आपके केस में आप इसको बेशक डायनामिक बना लें, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, इसमें एक जो लास्ट वाला मेथड है उसका नाम ड्राइव है, और बेसिकली जो एसोसिएशन वाला काम हो रहा है वो इस मेथड के अंदर हो रहा है। अब जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है उसको मैं पास कर रहा हूँ एज ए पैरामीटर इस फंक्शन को, इस मेथड को, और उसके बाद इस मेथड में कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि आउटपुट हो रही है। जो एक पार्ट है इसमें इन्फॉर्मेशन का लाइन नंबर 22, यहाँ पे कार का जो नाम है उसको आउटपुट कराया जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कार के मॉडल को, नेक्स्ट लाइन पे जो पर्सन है उसके नेम को, और जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे जस्ट एक मैसेज लिखा हुआ, कार हैज़ बीन स्टार्टेड एंड रेडी टू गो। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद क्विकली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन, और इसको मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ जो कि पर्सन नेम होगा जॉन स्मिथ, उसके बाद कार इक्वल्स टू न्यू ऑफ कार, कार भी क्रिएट हो गई, यानी कि कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद कार ड्राइव, और ड्राइव करने के लिए जो पर्सन है उसके ऑब्जेक्ट को मैं ड्राइव वाले मेथड को पास कर दूंगा। इतना काम हो गया, इतना काम हो जाने के बाद अब ब्राउजर में इसके आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश, ये देखिए, द कार नेम इज होंडा अकॉर्ड, द कार मॉडल इज 2016, ड्राइवर नेम इज जॉन स्मिथ, कार हैज बीन स्टार्टेड एंड रेडी टू गो। तो ये बेसिकली सिंपल एसोसिएशन थी। ये 1-to-1 भी हो सकती है, 1-to-many भी हो सकती है, यानी कि इसकी जो कार्डिनैलिटी है 1-to-1 भी हो सकती है, 1-to-many भी, और many-to-many भी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स की ऑनरशिप नहीं होती, और हर ऑब्जेक्ट का अपना लाइफ साइकिल होता है, और ये रिलेशनशिप वीक रिलेशनशिप कहलाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो लेसन में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।